hello and welcome to my youtube channel. this is shreyas vadi with lecture number 69 from modern indian history series. and in this lecture, we will study important governor generals of india. the difference between school and life. in school, you are taught a lesson and then given a test. in life, you are given a test that teaches you a lesson. mind blowing thought if you have any doubt you can ask me on instagram this is my instagram id this is my facebook page this is my telegram channel and this is my youtube channel मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो so, आज का जो टॉपिक है जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फिर से एक बार बता दूं कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से यूपीएससी प्री में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो so, इस टॉपिक को मिस मत कीजिए इसके अलावा मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ अबाउट दैट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल उस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो उसे अभी देख ले यहाँ पे उस लेक्चर के लिंक दी हुई है ये लिंक पे क्लिक करे और वो लेक्चर को देख ले ताकि आपको ये भी लेक्चर समझने में काफी आसानी जाए एक लिंक बनी रहे so आइए स्टार्ट करते हमारा नया चैप्टर दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सो मैंने आपको कहा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है सबसे पहले गवर्नर हुआ करते थे बंगाल में आपको पहले बेसिक बता देता तो हूँ पहले गवर्नर हुआ करते थे बंगाल में बाद में इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया धीरे धीरे इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बना दिया ठीक है ब्रिटिश जिस तरह से इंडिया को रूल कर रहे थे उस हिसाब से बनाया जा रहा था अब गवर्नर नॉर्मली थे फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो 1833 के एक्ट के बाद ये नाम कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था ये 1773 के एक्ट के बाद कर दिया गया था नाम गव, गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे इनके अंडर बॉम्बे और मद्रास को डाल दिया था इसलिए ये गवर्नर जनरल हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो तो पूरे इंडिया का ही हेड बन जाएगा सो so इस तरह से ये इनके जो पा, पावर्स थी वो बढ़ती जाएगी और इनका नाम भी चेंज होते जाएगा उसके बाद अगला वाइस रॉय आएगा सो so जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि 1828 से 1835 के बीच में गवर्नर जनरल रहे इंडिया के उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये जो पोस्ट बनाई गई थी ये चार्टर एक्ट 1833 में बनाई गई थी चार्टर एक्ट 1833 के थ्री से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे इनका नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया इनको पूरा तरह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया बेंटिक जो थे ये 28 में आए थे यानी ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो थे ही बट बाद में इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बना दिया गया तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस तरह से बन जाते हैं जैसे ही चार्टर एक्ट ऑफ एटीन आ जाता है तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है इनके वक्त जो बड़ा इवेंट हुआ वो था एबोल्यूशन ऑफ सती जो सती प्रथा इस देश में चलती थी और बाकी जो क्रूअल राइट्स चलते थे जो बुरे रीति रिवाज थे उन सबको हटा दिया गया इन द ईयर 1829 ये सब लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही टाइम पे हुआ और इसके पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन राजा राम मोहन रॉय का है जो कि हम सोशल रिफॉर्मर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सो एबोलिशन ऑफ सती लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे उसके साथ साथ सपरेशन ऑफ ठगी ठगी 1830 में इन्होंने सपरेशन ऑफ ठगी किया था तो जो ठग थे ठग लोग जो लोगों को लूटते थे एक तरह से अगर यहाँ पे वो हम बात देखेंगे तो हैंडकर्चिप का इस्तेमाल करते थे रुमाल का इस्तेमाल करते थे गैंग में घूमते थे लोगों को लूटते थे लोगों को मारते थे ये सब को भी रोकने का काम एक तरह से विलियम बेंटिक ने किया था इन द ईयर एटीन उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि एक चार्टर एक्ट जो आया था वो तो इनके वक्त आया ही था ये तो आपको पता ही है 1833 में विलियम बेंटिक के वक्त एक नया लॉ था उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ़ 1835 थर्टी फाइव और एजुकेशनल रिफॉर्म्स ये जितनी भी चीज़ें ये एजुकेशन से रिलेटेड है ये सब मैं आपको एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो हमने पढ़ा है एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ़ एजुकेशन उसमें हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए थे कुछ विलियम बेंटिक के वक्त तो वो क्या क्या तो ये सब उन्होंने लाया था बट मेन चीज़ ये है कि इन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था अब तक जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो एक तरह से पर्शियन हुआ करती थी इन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया इस देश की अभी जो भी office, कामकाज है पूरे गवर्नमेंट के वो पूरे इंग्लिश में चलेंगे इस तरह से इन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया उसके बाद इन्होंने एक ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप साइन की थी विद रंजीत सिंह ये जो ट्रीटी है ये लगभग 1831 के टाइम पे साइन की गई थी रंजित सिंह के और ब्रिटिश के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और एक फ्रेंडशिप ट्रीटी थी यानी ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे सिख यानी रंजित सिंह जो कि रूलर हुआ करते थे पंजाब के वो और ब्रिटिश एक दूसरे की मदद करेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस तरह से परपेचुअल फ्रेंडशिप की एक ट्रीटी साइन की गई थी ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं जो हम सिख वॉर पढ़ते थे उसके पहले जो हम पढ़े हैं पंजाब स्टेट उसमें हमने पढ़ा था ये पूरी चीज़ें तो आपको सब पता ही है सो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इनके सामने आप स्टार मार्क लगा दीजिएगा इनके वक्त ये सब चीजें हुई और ये एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगले जो हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं वो है लॉर्ड मेटकाल्व और ये आते हैं 1835 से 1836 के बीच में ये एक तरह से एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं बट इनको हमें पढ़ना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि इनके वक्त जो हुआ था वो लिबरेशन ऑफ प्रेस हुआ था प्रेस के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी रेस्ट्रिक्शंस डाले हुए थे वो पूरे जो रेस्ट्रिक्शन थे उस सबको हटाने वाले जो व्यक्ति है वो है मेटकाल्व ये सब हम डेवलपमेंट ऑफ प्रेस में पढ़ चुके हैं इसलिए इन्हें लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है इन्होंने पूरे प्रेस के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन

ये जो टॉपिक है इसपे ये फर्स्ट अफगान वॉर इस पे क्वेश्चन नहीं आते वैसे एग्जाम में देखा जाए तो कि बहुत आ, किसी एग्जाम में बहुत कम एग्जाम से जिसमें इस पे क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में तो बहुत कम चांसेस है फिर भी मैं आपको एक खुश देना चाहता हूँ कि मेरा जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा अभी दो एक दो लेक्चर में ख़त्म होने वाला है सो खत्म होते बराबर मैं आपके एनशियट तो शुरू करने ही वाला हूँ बट एनशियंट के साथ साथ मैं हिस्ट्री के बीच बीच में मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स डालते जाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे क्या होगा हमें पता नहीं है एग्जाम का कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ पूछा जाए सो इसलिए मैं अ, 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 अफगान वॉर हो गए बर्मीज वॉर हो गए एंग्लो नेपाल वॉर हो गए इन सब पे मैं थोड़े छोटे मोटे वीडियोज़ बना के डालते रहूंगा आप टेंशन मत लीजिए उसके बाद इनके वक्त रंजीत सिंह जो थी इनकी डेथ हुई एटीन में लॉर्ड अकलैंड का ही टाइम था तो रंजित सिंह जो थी इनकी डेथ हो गई पंजाब में सो so, ये सब चीज़ें यहाँ पे चली लॉर्ड अकलैंड के टाइम पे और आ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखना है इनसे रिलेटेड उसके बाद अगले जो हमें याद रखना है वो है लॉर्ड एलनबर्ग लॉर्ड एलनबर्ग जो है ये आते हैं 1842 से 1844 इस टाइम के बीच में और इस टाइम पे एनेक्सेशन ऑफ सिंध हुआ था 1843 में मैं आपके साथ एनेक्सेशन ऑफ सिंध अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ इसके लिए मैंने आपके आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर लिया है पूरा सो so, एनेक्सेशन ऑफ सिंध यानी सिंध को अपने कब्जे में ले लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वो लिया था लॉर्ड एलनबर्ग के ही वक्त उसके साथ साथ ग्वालियर के साथ वॉर किया था एटीन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ग्वालियर यानी मराठा जो थे उनके खिलाफ वॉर लड़ा गया था और ग्वालियर को अपने कब्जे में करने की यहाँ पूरी कोशिश की गई थी तो ग्वालियर पर यहाँ वॉर किया गया था इन एटीन बाय लॉर्ड एलनबर्ग ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये वॉर किया

फर्स्ट के वक्त हुई थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं लेक्चर लिया है मैंने उस पर ट्रिटी ऑफ लाहौर भी हम पढ़ चुके हैं तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं तो इस वक्त थे लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ये याद रखना है उसके बाद इनके वक्त काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म्स भी हुए जैसे एबोल्यूशन ऑफ़ फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी इसको हम बोल सकते हैं कि महिला बाल हत्या या फिर स्त्री भ्रूण हत्या ये सब वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं तो वही है कि बेटिया जो उनको मार दिया जाता था तो ये सब जो चीज़ें इसको रोका था इन्होंने उसके साथ साथ ह्यूमन सेक्रीफाइस जो भी बलि दी जाती थी इंसानों की इस चीज़ के लिए या फिर ये रीति रिवाज है ये वो वो पूरा इन्होंने हटा दिया था ये लॉर्ड हार्डिंग जो थे फर्स्ट इनका ये बहुत बड़ा एक योगदान रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है तो इनके वक्त ये इवेंट्स हुए उसके बाद अगला जो है वो है लॉर्ड डल हाउसी एटीन से एटीन के बीच में इनके सामने इनके नाम के सामने अभी से बता देता हूँ सबसे बड़ा स्टार मार्क लगाइएगा सबसे ज़्यादा चीज़ें इनके वक्त हुई सबसे ज़्यादा इवेंट्स इनके वक्त हुए और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं के

और ये काम की गया जब गया था तब लॉर्ड डलहाउसी ही इस देश के गवर्नर जनरल थे डॉक्टर ऑफ लैब्स इन्होंने ही लाया था डॉक्टर ऑफ लैब्स क्या है मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं डॉक्टर ऑफ लैब्स के ऊपर मैं अच्छे से ये टॉपिक डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ आ, मेरे लेक्चर्स में तो डॉक्टर ऑफ लैब्स जो इसमें जैसे कि आपको पता है जो आपका जो किसी किंग का एडॉप्टेड सन है उसको उस किंग की जगह नहीं मिलेगी वो अगर उसको अपना खुद का बेटा नहीं है उस किंग को तो वो उसका पूरा किंगडम लैब्स हो जाएगा और वो चले जाएगा ब्रिटिश के पास इस तरह का डॉक्टर ऑफ लैब्स था जिसको लाया था लॉर्ड डल ने इनके वक्त ही तो वुड्स एजुकेशन डिस्पैच

फर्स्ट रेलवे लाइन बनाई गई थी बॉम्बे से ठाणे में 1853 में और फर्स्ट रेलवे दौड़ी थी हमारे देश में फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे इन द ईयर 1853 अच्छे से याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके सामने भी स्टार मार्क कीजिएगा फर्स्ट ट्रेन बॉम्बे से ठाणे इन द ईयर 1853 कैसे तो रेलवे मिनट ऑफ एटीन के चलते So, ये सब चीजें लॉर्ड के कॉन्ट्रीब्यूशन रहे उसके अलावा टेलीग्राफ लाइन इन्होंने टेलीग्राफ लाइन इन्होंने डाली टेलीग्राफ जो है जिसके थ्रू ब्रिटिश एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में चार हजार माइल्स की टेलीग्राफ लाइन इन्होंने डाली थी जो कैलकाटा को बॉम्बे मद्रास और पेशावर से जोड़ती थी तो इस तरह से टेलीग्राफ जो है उसकी लाइंस भी डाली गई पोस्टल रिफॉर्म इनके वक्त किए गए थे जो पोस्ट से रिलेटेड तो पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 इनके वक्त पास कर दिया गया था तो आपको मैं ये बता दूं कि पोस्ट ऑफिस एक्ट जो 1854 का है उसके थ्रू क्या किया था सो so, एक डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे पोस्ट ऑफिस के लिए और डायरेक्टर जनरल जो थे उनके अंडर पूरे पोस्ट ऑफिस रहा करते थे तो ये सबको संभालेंगे डायरेक्टर जनरल तो अच्छे से इफेक्टिवली काम हो पाएगा उसके साथ साथ अगर आपको एक लेटर पोस्ट करना है तो उसके लिए वन आना एक आना आ, उसका प्राइस था एक लेटर पोस्ट करने का पर लेटर का पर वन आना था हाँ सॉरी वन नहीं हाफ आना था हाफ आना हाफ आना इतना प्राइस लगता था एक लेटर पोस्ट करने के लिए उसके साथ साथ पोस्टल स्टैम्प्स जो है वो भी इसी एक्ट के दौरान आए थे तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई थी उसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे गंगेज कैनल ओपन कर दिया गया था गंगाज कैनल जो है उसके थ्रू सबसे पहले ये बता देता हूँ कि गंगा जो कैनल है उसके थ्रू जो गंगा और यमुना का दोआब है दोआब यानी दो नदियों के बीच का रीजन तो गंगा और यमुना के बीच का जो रीजन था इसको इरीगेट किया गया था कैनल बना के गंगे पे गंगा पे तो ये सब चीज़ें की गई थी यहाँ पे ये भी किया गया था डल हाउसी के टाइम पे काफ़ी अच्छे काम भी किए गए कुछ बुरे काम भी किए गए ठीक है अच्छे बुरे काम चलते ही रहते हैं इन्होंने सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया था हर प्रोविंस के लिए ताकि डेवलपमेंट अच्छे से हो सके पी डी डिपार्टमेंट बनाया गया था अलग अलग हर प्रोविंस के लिए अलग फॉर एवरी प्रोविंस इन्होंने अलग अलग बनाया था और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक डेवलपमेंट रहा इनके वक्त और सबसे महत्वपूर्ण तो रहा कि इन्होंने विडोरी मैरिज एक्ट लाया था 1856 में जिसके चलते जो विधवा महिलाएं थी वो यहाँ पे शादी कर सकती थी जो कि इंडिया का जो रिलीजन है इंडिया की जो संस्कृति है वो अलाउ नहीं करती थी एक विधवा को फिर से शादी करना बट इन्होंने ये अलाउ कर कर दिया ये ये कर दिया इन्होंने लीगल यही सब रहा लॉर्ड का जो 1848 से 56 के बीच में रहे और आप इनके सामने आपने बड़ा स्टार मार्क लगाया हुआ है इनपे क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा बनते हैं उसके बाद आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग या फिर आपकी इच्छा हो तो आप कह सकते हैं पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग तो लॉर्ड कैनिंग ये फिफ्टी से 57 के बीच में रहे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसके बाद ये नहीं रहे ऐसा नहीं है उसके बाद ये बन गए वाइस रॉय ऑफ इंडिया सो ये कैसे हुआ आपको बता देता हूँ देखिए तो ये प्रोसेस में सबसे पहले ऐसा था कि जो एक एक्ट आया था 1858 में उस एक्ट के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के दौरान जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था वो पोस्ट को हटा के उसके जगह वाइस नाम की एक पोस्ट लाई गई थी तो इनको ही वाइस करके कंटिन्यू किया गया था लॉर्ड कैनिंग को तो इस तरह की सब चीज़ें चली तो फर्स्ट जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनते हैं वो लॉर्ड कैनिंग ही बनते हैं बट अभी हम इन्हें एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ टाइम लिखा है एटीन से 57 के बीच में तो अभी क्या हुआ यही हमको पढ़ना है आगे जब हम वाइस रॉय वाला लेक्चर लेंगे उसमें भी हम लॉर्ड कैनिंग से ही शुरुआत करेंगे तो ये टाइम के दौरान जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे तब क्या हुआ ये देख लेते हैं सो so, तब क्या हुआ तो तीन यूनिवर्सिटीज बनाए एक कलकत्ता में बनेगी एक मद्रास में बनेगी एक बॉम्बे में बनेगी 1857 में ये सब हम डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन वाले लेक्चर में तो पढ़ ही चुके हैं मेन चीज ये है कि इनके वक्त रिवोल्ट हुआ 1857 का 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो कोई और नहीं तो वो लॉर्ड कैनिंग के वक्त ही हुआ था और ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया साबित हुए उसके बाद ये फर्स्ट वाइस रॉय भी बनते हैं तो 1857 के बाद का जो टाइम है इनका आगे का वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले जब ये वाइस रॉय बन जाएंगे तो उसमें फिर क्या क्या हुआ ये भी हम पढ़ेंगे तो इस तरह से आज हमने जो टॉपिक कम्पलीट किया वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फिर से एक बार बता दू हमने किन किन को पढ़ा इसमें हमने सबसे पहले वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को पढ़ा जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं हमने लॉर्ड मेटकैल्फ को पढ़ा हमने लॉर्ड एक्लैंड को पढ़ा हमने लॉर्ड एलन बुक को पढ़ा हमने लॉर्ड हार्डिंग को पढ़ा हमने लॉर्ड डेल को पढ़ा और लास्ट में हमने लॉर्ड कैनिंग को भी स्टडी किया इस तरह से हमारा ये टॉपिक रहा तो आप लोग मुझे पता है कि आप लोग एक काम करेंगे कि आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे इन टॉपिक्स के और अच्छे से चीज़ें याद रखेंगे उनको हर बार रिवाइज़ करते रहेंगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे स्मार्ट वर्क करेंगे तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ चुका है सो so, मेरे वीडियोस को लाइक करे शेयर करे और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे Facebook पेजेस को फॉलो करें ये है मेरे फेसबुक पे जिस बड़ी और श्रेस बड़ी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं बड़े है मेल करना चाहो तो आप मुझे श्रेस बड़ी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पे मेल भी कर सकते सो, आ, आप लोग, आ, का दिन बहुत अच्छा जाए आप लोग अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखें अच्छे से पढ़ाई करें स्मार्ट वर्क करें रिविजन करते रहे इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बड़ी आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा आपका दिन शुभ हो